गाइस, रेडमी का जो नंबर सीरीज होता है वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। जब रेडमी नोट 7 लॉन्च हुआ वहाँ पर फर्स्ट टाइम 48 MP का कैमरा देखने को मिला। उसके बाद रेडमी नोट 8 64 MP का कैमरा देखने को मिला। अभी रेडमी नोट 10 सीरीज जो लॉन्च होगा वहाँ पर 108 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, और जो सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। और मेरे हिसाब से अगर आपको 4G की प्राइस में एक 5G स्मार्टफोन मिलेगा, क्या 5G स्मार्टफोन को बाय नहीं करेंगे? मेरे हिसाब से मैं तो 5G स्मार्टफोन को ही बाय करूंगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगा, और जब भी लॉन्च होगा आपको पहले 5G की फैसिलिटी मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से अपने स्मार्टफोन को एडवांस रखना अच्छी बात है। अगर आप एक न्यू स्मार्टफोन बाय करने के लिए सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको Redmi 10 सीरीज के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है स्वरूप और आप देख रहे हैं टेक सूत्र। वीडियो आपको ज़रा सी यूज़फुल लगता है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। Redmi Note 10 सीरीज में 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max, जैसे Redmi Note 9 सीरीज में देखने को मिला था। और इसमें Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max, ये दोनों स्मार्टफोन का बैक सेट का डिज़ाइन काफ़ी हद तक Poco X सीरीज जैसा देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन दोनों स्मार्टफोन का उतना अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, सिमिलर जैसा डिज़ाइन मिल जाएगा। और तीनों स्मार्टफोन में बैक साइड में Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा और ग्रीन फिनिश मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं, ये तीनों स्मार्टफोन में IPS डिस्प्ले मिलेगा, किसी भी स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। अगर आप अपर वेरिएंट में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करते और भी बढ़िया होता। कैमरे की बात करते हैं, Redmi Note 10 में 48 MP का क्वाड कैमरा मिलेगा और Note 10 Pro में 64 MP का क्वाड कैमरा मिलेगा, और Note 10 Pro Max में 108 MP का क्वाड कैमरा मिल जाएगा, जो इस फोन का एक की फीचर्स है। और 108 MP का जो कैमरा होगा वो Samsung का सेंसर के साथ आएगा। सुनने में तो आपको 108 MP का क्वाड कैमरा मिल रहा है, बट देखना होगा इसका रियल लाइफ परफॉर्मेंस कितना बेहतर होगा, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा नंबर मैटर नहीं करता है। अगर आप आईफोन का कैमरा को देखेंगे वहाँ पर 12 MP का कैमरा मिल रहा है, और उसका कैमरा का क्वालिटी सभी स्मार्टफोन से बेहतर है, क्योंकि आप सभी को पता है आईफोन का कैमरा कितना बेहतर होता है। मेरे हिसाब से नंबर डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर करता है, क्योंकि Redmi का एक बिजनेस पॉलिसी होता है अपने स्मार्टफोन में कुछ ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करता है जो उस प्राइस में और कोई भी स्मार्टफोन कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। Redmi Note 10 सीरीज में जो 3 स्मार्टफोन लॉन्च होगा वहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max, ये दोनों स्मार्टफोन 100% 5G चिपसेट के साथ लॉन्च होगा। और Redmi Note 10 जो सबसे लोअर वर्जन होगा वहाँ पर 4G की चिपसेट भी देखने को मिल सकता है या 5G की चिपसेट भी देखने को मिल सकता है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर 5G की चिपसेट देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 720 का चिपसेट मिलेगा, जो एक 5G चिपसेट है, और इसका परफॉर्मेंस Snapdragon 720G से कम है, और Snapdragon 720G एक 4G चिपसेट है। मतलब आपको चिपसेट 5G मिलेगा बट परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं मिलेगा। और Note 10 Pro में MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट मिल जाएगा, एक 5G चिपसेट है, और सबसे अच्छी बात है ये फ़ोन 15,000 के अंदर में मिल जाएगा, और इसका परफॉर्मेंस आपको नो डाउट बेहतर मिलेगा। Dimensity का चिपसेट उतना महंगा नहीं है, इसलिए कंपनी सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए यही चिपसेट को प्रोवाइड करेगा। और इसका जो अपर वेरिएंट होगा वहाँ पर Snapdragon 750G का चिपसेट मिल जाएगा, ये भी एक 5G चिपसेट होगा, इसका परफॉर्मेंस MediaTek से ज़्यादा बेहतर होगा। Redmi Note 10 में 5000mAh का बैटरी मिलेगा और जहाँ पर 22.5W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, और Note 10 Pro में 5000mAh का बैटरी मिलेगा और जहाँ पर 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और Note 10 Pro Max में 4820mAh का बैटरी मिलेगा और जहाँ पर सेम 33W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा। देखिए, इस टाइम Realme 15,000 के अंदर में अपने स्मार्टफोन में 65W का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और Redmi वहाँ पर 33W का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। एक्चुअल में स्मार्टफोन को अगर ज़्यादा फास्ट चार्जिंग से चार्ज किया जाता है तो स्मार्टफोन का बैटरी लाइफ और भी जल्दी खत्म होता है, इसलिए 33W का फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से इनफ है। देखिए, सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा, तो ये फ़ोन कितने प्राइस में इंडिया में लॉन्च होगा? चलिए प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। Redmi Note 10 का बेस वेरिएंट 13,000 से 14,000 के अंदर में लॉन्च होगा,
और ये स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन भी हो सकता है या 5G स्मार्टफोन भी हो सकता है। और Redmi Note 10 Pro का बेस वेरिएंट 16,000 से 17,000 के अंदर में मिल जाएगा, ये एक 5G स्मार्टफोन होगा। और अपर वेरिएंट Redmi Note 10 Pro Max उसका बेस वेरिएंट 20 से 22,000 के अंदर में लॉन्च होगा, और जहां पर आपको 108 MB का कैमरा मिल जाएगा। लॉन्च डेट की बात करते हैं, Redmi 10 सीरीज दिसंबर में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। गाइस ये था Redmi 10 सीरीज का फुल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर कोई भी अपडेट आता है मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, तो आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर से मुलाकात होगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।